आज मैं लेके आई हूँ चाय के साथ खाने वाला बहुत ही टेस्टी नमकीन की रेसिपी। और इसी मैंने बनाया है गेहूं के आटे और सूजी से, जो बहुत ही तीखा, चटपटा और बहुत ही टेस्टी नमकीन है। इसके अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें डाली है जिससे ये बहुत चटपटा और तीखा बना है, और इसे खा के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ना 2 कप लिया है गेहूं का आटा, उसी कप से 1 कप से थोड़ा सा कम सूजी डाला है, 1 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा इसके अंदर, मोयन के लिए 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे तेल या घी। अब सारी चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसे हाथों से बांध के देखेंगे ये अच्छे से बन जा रहा है, मतलब अच्छे से आटे में मोयन हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हो चुका है रेडी। अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम पानी डालेंगे, एक बढ़िया सा सख्त डो रेडी करेंगे, जैसे हम नमकीन बनाने के लिए रेडी करते हैं, जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सख्त डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये बढ़िया से हमारा आटा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने तोड़ा है आटे का, और एक बड़ी सी पूड़ी बेलेंगे, जितना बड़ा हो सके ना उतना बड़ा बेलिए, ताकि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि ये गेहूं का आटा है तो बेलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, बहुत ही आसानी से ये बेलने पे ये हो जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने बहुत ही बढ़िया से ये बेल लिया, बहुत पतला नहीं बेला है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना, थोड़ा सा मोटा मोटा बेलने से तो ये ज्यादा टेस्टी मुझे लगता है। आप चाहे तो इसे पतला भी बेल सकते हैं, तो मैंने ना थोड़ा सा मोटा बेला है, कुछ इस तरीके से पतला पतला कट कर लिया, आप जैसा भी कट कर सकते हैं इसे। ये काट लिया है मैंने सारे नमकीन को, यहाँ पे तेल भी गर्म कर लिया, चेक कर लेते हैं तेल को, तो ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे नमकीन को, चूल्हे का हीट बहुत ज्यादा तेज नहीं रखेंगे, बहुत लो भी नहीं रखेंगे, मीडियम जो हीट होता है ना उस पे हम इस नमकीन को तलेंगे, इसी ये ज्यादा अच्छा बनेगा, खास्ता बनेगा, इसलिए हम हीट को मीडियम रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे अच्छे से, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो इस तरीके से मीडियम हीट पे मैंने सारे नमकीन को तल लिया है, कुछ इस तरीके से इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया तल के रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी होता है। जो और मैंने कट करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल दिया है, ये भी एकदम से मैं तल के रेडी कर ले रही हूँ। तो सारे नमकीन को मैंने तल लिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में टेस्टी है, चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं, थोड़ा सा तीखा, चटपटा और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। चाय के साथ आप स्टोर करके बना के रख लो एक डब्बे में, और फिर जब भी चाय पी रहे हैं उस टाइम में, शाम के टाइम में थोड़ा सा नमकीन निकाला खा लिया, बहुत दिनों तक ये खराब भी नहीं होता है, खाने में भी काफी टेस्टी होता है। और गेहूं के आटे और सूजी से बनाया तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, मतलब बच्चे भी इसे आसानी से खा सकते हैं और पसंद करते हैं बच्चे इसे बहुत। तो इस तरीके से आप मैदे से छुटकारा पा सकते हैं, और गेहूं के आटे से ये नमकीन बना के जरूर ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।